हेलो गाइस, वेलकम टू द जेमिनी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 की टीजर रिलीजिंग डेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है, एक अंदाजा है जो कि हमें एक आर्टिकल के द्वारा पता चला है। और देन वो सब मैं चीज आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ कि एक्चुअल में टीजर रिलीजिंग डेट क्या हो सकती है। तो इससे पहले बात करते हैं, रूसू ब्रदर ने एक इमेज अपलोड करी थी जिसमें कि उन्होंने अंदाजा बोलने के लिए कहा था कि आप टाइटल पता करिए। उसके बाद जब फिनिशिंग हो गई एवेंजर 4 की शूटिंग तो उन्होंने एक और इमेज अपलोड करी, तो इसमें भी हमें कुछ ज्यादा खास नहीं पता चल पाया। फिर भी काफी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एडम वॉरलॉक हो सकता है, कैप्टन अमेरिका की कवर हो सकती है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि फाइनली एवेंजर 4 की टीजर रिलीजिंग डेट क्या होगी। तो यहाँ पे रेडिट यूजर ये बताती हैं कि कैप्टन मार्वल का ट्रेलर 171 दिन पहले रिलीज करा गया और सुपर ग्लो में अभी 89 डेज बाकी हैं। तो इसका मतलब एवेंजर 4 का पहला टीजर आपको 171 दिन पहले मिल जाएगा, यानी कि नवंबर के महीने में आपको 13 तारीख को पहला टीजर देखने को मिल सकता है। तो फाइनली ये है वो टीजर रिलीजिंग डेट, यानी कि 13 नवंबर, जो कि अक्टूबर के बाद ही आने वाला है और फाइनली हमें शायद देखने को मिल जाए। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि 13 नवंबर को पहला टीजर रिलीज होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक अंदाजा है और फैन थ्योरी तो कभी कंफर्म भी हो जाती है, कभी नहीं कंफर्म भी होती है। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से 171 दिन पहले कैप्टन मार्वल का रिलीज करा गया तो शायद मे बी एवेंजर 4 का भी 171 दिन पहले रिलीज हो, यानी कि 13 नवंबर को। तो आपका क्या मानना है इस टीजर की रिलीजिंग डेट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देखे या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।